उससे ज्योत प्रबल होती, ज्योति प्रबल होती, नई नौकरी विकार नष्ट होकर ज्योति का क्रमशः बढ़ जाती। आप एक शिवरात्रि करेंगे, दूसरी शिवरात्रि आते आते अपने आप ही अंतर आ जाएगा, आपकी आंखों में अपने आप अंतर का प्रभाव चश्मे उतरने लगे। भगवान शिव ओघड़ दानी, शंकर को समर्पित की गई वस्तुएं भगवान शंकर स्वतः ही स्वीकार करते हैं। जिसका व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, धंधा नहीं चलता, नौकरी नहीं चलती, कुछ भी आपका व्यापार नहीं चल रहा, कुछ मत करिए। मुख्य शिवरात्रि आएगी, अभी मकर महीने में आने वाली है मेन शिवरात्रि। 12 शिवरात्रि का एक शिवरात्रि की प्रखमता, जिस दिन शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ था, वो शिवरात्रि अभी आई। शिवरात्रि के दिन 12 बजे रात को शंकर जी पे धतूरा चढ़ा दो, उस धतूरे को सुबह 4 बजे उतार ला, उतार कर लाल वस्त्र में या श्वेत वस्त्र में उसको दुकान में बांध दीजिए, जिंदगी में कभी व्यापार ठप भी नहीं होगा, बढ़ते चले जाएगा, महाराज उन्नति की ओर अग्रण्य होगा। वो धतूरे का क्रम, धतूरे का शिवरात्रि के क्रम का। महाराज शंकर की शिवरात्रि को सहज मत समझो, दुनिया के लोग कहते हैं कि इस दिन शंकर और पार्वती का विवाह हुआ है, पर सत्य बात तो यह है इस दिन भगवान शंकर का प्रागट्य हुआ है भूमंडल। शिवलिंग इसी दिन प्रगटा था, भगवान शंकर का मूल भौतिक जो स्वरूप है वो इसी दिन प्रगट हुआ है। शंकर पार्वती मैया ने बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन कर प्रतिदिन। सावन के महीने में पंडित जी पूजन कराते हैं, आपसे कराते हैं अभिषेक। अरे बोलो तो, आप लोग शिवलिंग बनाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बनाए, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बनाए और शूद्र काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करे, फल अधिक प्राप्त होता है। और आज के जमाने में तो एक होड़ लगी हुई है, 1,25,000 शिवलिंग का निर्माण होगा, काली मिट्टी लाकर पटक दी, ब्राह्मण भी उसी को बना रहा है, वैश्य भी उसी को बना रहा है, छत्री भी उसी को बना रहा है, शूद्र भी उसी को बना रहा है, सब एक ही मिट्टी के शिवलिंग बना 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 1,25,000 शिवलिंग बनाए, विसर्जन कर दिया, समय भी बर्बाद किया और फल रत्ती भर नहीं हुआ, समय भी लगा। एक बनाइए, कितना एक, वो कहते हैं भले एक बेलपत्र समर्पित करो पर बेलपत्र श्रेष्ठ होना चाहिए, भले एक, ज्यादा ढेर सारी करने से कोई मतलब नहीं है। हमने ढेर कर दिया, कई लोग कहते हैं हमने तो इतना अनुष्ठान करा, हमने तो इतना जाप करा, हमने तो इतना मृत्युंजय का अनुष्ठान करा, क्या मतलब, एक जपा एक साधा सद बहुत प्रदान कर। महाराज भगवान शिव की कथा करें, पार्वती जी ने बालू रेत, भले एक शिवलिंग बनाओ पर जो शिव महापुराण में लिखा हुआ, जो वेद व्यास जी ने वर्णन करा, हमारी संहिताओं के अंदर जो लिखा गया है कि ब्राह्मण श्वेत मट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसको 1,25,000 बनाने की जरूरत नहीं है, 1,25,000 बनाने की जरूरत नहीं है, एक बना पर श्वेत मट्टी का, सफेद मिट्टी का बना, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बना, भले 10 मत बनाए पर एक बना पर पीली मिट्टी, छत्री लाल मिट्टी का बना, शुद्र काली मिट्टी का बना और उसका निर्माण कर फिर अभिषेक करे, उसका फल चौगुना प्राप्त होगा, फल की अनुभूति, फल की। महाराज माता पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना करी, शंकर भगवान की पूजन करी, शिव जी के साथ माता पार्वती का विवाह हुआ, मंगल विवाह पार्वती का हुआ, विदा करा है माता पार्वती को माता मैनावती, विदा। कल कथा में कहा था बेटी की विदाई में जितना मां नहीं रोती उससे दुगना उसका बाप रोता है, उसका पिता रोता है, क्योंकि बेटी बाप को प्रिय होती है, नयन जल भरा होता है। और मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि कभी ये मत कहना कि हमारी
बेटी घर में हुई है, इसका विवाह कैसे होगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, बेटी अपना भाग्य लेकर पैदा होती है। वो अपना भाग्य लेकर पैदा होती है और अपने भाग्य से वो पिता के भाग्य को प्रबल कर देती है। बेटी पिता के भाग्य को प्रखर करने वाली होती है। बेटी महाराज मेनावती हिमालय राज आज बेटी को विदा कर रहे हैं और बेटी विदा हो रही है, नैनों में अश्रु भरा हुआ है। क्या नहीं देता बाप अपनी बेटी की विदाई में? जिसको पाल पोस कर बड़ा करा ना भाई, जिसको माँ ने अपने स्तन का दूध पिलाया है ना, उसको एक मिनट के लिए कभी अलग नहीं किया। और माँ और बाप जो उसका मुंह देखते थे प्रातः में रोज, जब उस बेटी को विदा करते हैं ना तो बाप विदा भी नहीं कर पाता है। हम विदा कैसे करें? शादी के दिन जैसे जैसे पास में आते जाते हैं ना, तो बाप भी अपनी पत्नी से कह देता है, सुन उसको जो जो पसंद है सब दे देना, उसकी पेटी में रखकर भेज देना, उसको जो ठीक लगे उसको दे। महाराज जीवन का सारा सुख बटोर कर बाप अपनी कन्या को देकर कन्यादान करता है। और एक बात याद रखिए, बेटी गई, बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। दो कुल को तारने वाली कन्या अपने माता पिता के परिवार को भी और ससुराल को भी श्रेष्ठता में देखना चाहती, श्रेष्ठता। पार्वती मैया विदा हो गई, नयन जल भरा है माता जगत जननी चली और जगदम्बा जब पहुंची है कैलाश पर, माता का जन विवाह होने का कारण ही केवल इतना था कि तारकासुर का संहार करवाना। तारकासुर को मारना, और तारकासुर को मारना सरल नहीं है, भगवान शंकर के पुत्र मारेंगे। तो तारकासुर को मारने के लिए शंकर भगवान के तेज पुंज को ले जाकर अग्निदेव ने, कलकत्ता में आपको कहा था, अग्निदेव ने गंगा जी को दे दिया। गंगा जी की छह लहरों से भगवान शंकर के छह पुत्र जन्म ले लिए। छह पुत्रों ने जन्म लिया, गंगा जी ने देखा ये छह ही रोते एक साथ में, भोजन एक साथ में चाहिए, दूध इनको एक साथ पीना है, करें क्या? तो गंगा मैया ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलवाया और कृतिकाओं को बुलवाकर कहा इन छह पुत्रों का पालन आप करो। कृतिकाओं ने भगवान शंकर के छह पुत्रों का पालन किया। पालन किया तो कृतिकाओं भी परेशान हो गई, जब कृतिका परेशान हो गई तो छह पुत्रों को कृतिकाओं ने एक जगह पर सुलाया, हाथ में जल लेकर उनके ऊपर जल छोड़ा, छह को एक कर दिया। जब छह को एक करा तो मुंह तो छह रह गए पर बालक एक हो गया। कृतिकाओं ने बालक को एक करा इसलिए उनका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ा? षडानंद कार्तिकेय। दुनिया में एक ही मंदिर है, बारह ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो कार्तिकेय के द्वारा निश्चित है, श्री सेलम मल्लिकार्जुन। कौन सा? मल्लिकार्जुन। पूरी दुनिया का एक ही मंदिर है और पूरी दुनिया में दो कुंड थे, एक कुंड ओम कुंड केदारनाथ जी और दूसरा कुंड चंद्र कुंड श्री सेलम। आप लोगों को मालूम होगा दुनिया का एक ही कुंड था ओम कुंड जो केदारनाथ जी में था। केदारनाथ जी से दर्शन कर आप उतरेंगे, केदारनाथ जी से थोड़ी सी दूर, मतलब यहां से दरवाजा इतनी दूर उतर के आपको केदारनाथ जी में से लेफ्ट की ओर जाना पड़ता था, वहां सरकारी हॉस्पिटल था। आप लोग गए होंगे कोई केदारनाथ तो आपको मालूम होगा, केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के पास में था एक ओम कुंड। कौन सा कुंड है? ओम कुंड। सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड और उस ओम कुंड का नियम था,
अगर कोई गूंगा व्यक्ति, तोतला व्यक्ति, हकला व्यक्ति ओम कुंड पर जाकर एक सिक्का पटक कर ओम नाद को बोलने का प्रयास करता था, जितनी देर वो ओम बोलने का प्रयास करता था उतनी देर कुंड के अंदर बुलबुला बना रहता था। और 11 से 21 बार ओम बोला जाता था, और बोलने पर उसके बाद उसकी तोतली भाषा सीधी हो जाती थी, हटक कर बोलने वाला, हकला के बोलने वाला सीधा बोलना चालू हो जाता, उसको कहते ओम कुंड। कौन सा कुंड? अब ओम कुंड नहीं है, क्योंकि वो त्रासदी जो मची थी ना केदारनाथ जी में, सब पानी में बह गया था, तो उसमें ओम कुंड समाप्त हो गया, खत्म। पर चंद्रकुंड आज भी है, श्री सैलम, मल्लिकार्जुन, जिनकी आंखों से बिल्कुल ही नहीं दिखता, तो पूर्णिमा की रात्रि को पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है जिसपे दो झंडे लगते हैं, एक लाल एक श्वेत, सफेद। सफेद ध्वजा कितनी भी आंधी चल जाए, कितना भी तूफान चल जाए, ये दोनों झंडे केवल उड़ते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा को ही उड़ते हैं। अमावस्या के दिन उड़ेगा सफेद झंडा और पूर्णिमा को उड़ेगा लाल झंडा। उसको कोई बांधता नहीं है, उसको खुला रखा जाता है, तो भी ये ध्वजा केवल महीने में दो बार ही उड़ती है। इतनी ऊंचाई पर लगे होने पर भी हवा भी नहीं उसको उड़ा सकती, वो दो ध्वजा, एक श्वेत एक लाल, मल्लिकार्जुन की। मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए अंदर जाएंगे तो राइट में एक चंद्रकुंड पड़ता है, जो पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा का दर्शन उस कुंड में होता है। जो चश्मे को उतार कर उस कुंड में चंद्रमा का दर्शन कर लेता है, बाहर निकलते निकलते उसके नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है, चश्मा लगाने की जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ती। चंद्रकुंड का इतना, और एक समय निश्चित होता है चंद्रमा को उस कुंड तक पहुंचने के लिए, पूर्णिमा निश्चित। महाराज, दुनिया में केवल एक शंकर जो मृत्यु लोक में रहने वाला देव अधिदेव महादेव है, वो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता, इसलिए वो ऐसी ऐसी जगह बैठा है जहां लोगों को तृप्ति का अनुभव हो, जहां लोग तृप्त हो सके, सुखी हो सके। सर्वे भवन्तु सुखी, जहां सब सुखी। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हो गया, कार्तिकेय को माता पार्वती ने भेज दिया, जा इस तारकासुर का संहार कर, और ध्यान रखना मां हो तो पार्वती जैसी, जो अपने बेटे से कह रही है कि तारकासुर का संहार कर। मेरा आप सबसे निवेदन है, अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाना। कौन सा शेर? पिंजरे का। आपको मालूम होगा पहले सर्कस में शेर आता था, बोलो तो आता था? सर्कस में शेर आता था, वन विभाग वालों ने मना कर दिया, सर्कस में शेर आना बंद हो गया, सारे सर्कस के शेर को ले जाकर जंगल में छोड़ा, कैमरा लगा लगा कर उनके गले में एक कैमरा बांध दिया और जंगल में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ा। 15 दिन के बाद में 5 कुत्तों ने एक शेर को मार दिया। किसने मारा? कुत्तों ने। हमेशा शेर जानवरों का शिकार करता था, आज कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया, शेर मर गया। क्यों मरा? क्योंकि उस शेर की आदत थी पिंजरे में रहने की, और पिंजरे में रह रहकर केवल खाने की, इसलिए कुत्तों का शिकार बन गया, क्योंकि वो शिकार करना भूल गया। मेरा माता पिता से निवेदन है, अपने घर के बच्चों को कभी मत कहना कि मेरी तिजोरी में कितना माल रखा है, कभी मत कहना कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कभी मत कहना मेरे पास कितनी जायदाद है। अपने बच्चों से कभी मत कहना कि तुझे कमाने की जरूरत नहीं, मेरे पास खूब रखा है। अपने बच्चों को पिंजरे का शेर मत बनाना, नहीं तो ये बाहर के कुत्ते कभी भी निपटा कर चले जाएंगे। अपने बच्चों को शेर बनाना जंगल का, तो धाड़ कर शिकार कर कर आएगा, तब आनंद की अनुभूति होगी, तब श्रेष्ठता। बच्चों को ये ना कहिए कि कितना धन रखा है, कितनी प्रॉपर्टी, कितना पैसा। कई माँ बाप अपने बच्चों से प्रसन्न रहते हैं तो कह देते, बेटा कमाने में 7 पीढ़ी का जोड़ दिया, खूब खाओ। नहीं 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 बोलना, खुद कमाओ खुद जाओ, हमारा हमारे लिए, अपना कमाओ। हमारे को क्या दिया था? हम आए थे, मुष्टिका बंधी हुई थी, दोनों हाथ बंधे हुए थे,
माँ के गर्भ से जब पैदा हुए उल्टे लटके हुए थे और भगवान से प्रार्थना करी थी गर्भ की केस से बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा। वो तो दुनिया के लोग भजन के चक्कर में भोजन में पड़ गए, मैं तो भोजन करूंगा। भगवान भी सोचा कहां पैदा कर दिया इसको, मृत्यु लोक में जन्म लिया है और माता पिता के धन पर ऐश ना करना। हम बच्चों से भी कहेंगे कभी मत कहो माता पिता का धन हमारा है। नहीं पापा खूब एंजॉय करो, जिंदगी हो गई तुम्हें कमाते कमाते। मम्मी पूरा जिंदगी हो गई तुम्हें रोते रोते, कमाते कमाते करते करते सेवा। अब करो, अभी समय आया है आपका, तीर्थ करो, शिव महापुराण की कथा करवाओ, खूब एंजॉय करो अपने जीवन में जितना बन सकता दान पुण्य संकीर्तन करो, खूब करो। मालूम पड़े जोड़ा 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 जोड़ा, पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ेगा और बेटा कपूत होगा तो कितना भी जोड़कर चले जाना सब राख मिला देगा। अपनी जिंदगी को जी भूल लेंगे। और माताओं आपसे भी निवेदन है, एक से बढ़कर एक साड़ी अलमारी में रखी है, एक से बढ़कर एक रखी है। एक पति और पत्नी घूमने के लिए विदेश गए, विदेश में गए तो उनको हॉफसेट पसंद आ गया। पत्नी ने कहा ले लूं, पति ने कहा ले ले महंगा बहुत है 2.5 लाख का, ले ले तू तो। पत्नी ने ले लिया। पति ने कहा पहन ले, अभी नहीं मौका आन दो, देवर के लड़के की शादी होगी जब पहनूंगी मौका आन दो। पति ने कहा शादी की सालगिरह 15 दिन बाद, बोला आज पहन ले नहीं मौका आन दो। जन्मदिन आया 2 महीने बाद, आज पहन ले नहीं मौका आन दो। मौका ढूंढती रही मौके की तलाश में बैठी रही। एक दिन भोलेनाथ ने लगा दो चौका, रे गया अरे बोलो तो मौका पड़ी अर्थी पर पड़ी। पति अंदर गया रोता रोता हाफ सेट लाकर पिनाने लगा। दोस्त कहने लगे पागल इतना महंगा हाफ सेट उसको पिना रहा, मर गई वो। पति के मैं हमेशा कहता था पेन ले, ये हमेशा कहती थी मौका आन दो, जैसे इसको बहुत मालूम था कि बहुत जिएगी। ले लगा दो चोखा, आगो मौका पड़ी। एक से बढ़कर एक साड़ियां अलमारी में जमी की जमी रखी है जी जियो। ऊपर जाते जाते बड़ा मन दुखेगा, नीली वाली तो पहनी नहीं, कहा मौके की तलाश में। कई लोग फटा की फटा रुमाल, पुराना की पुराना रुमाल पुरुष लोग जेब में रखते हैं, बेकार से बेकार कपड़े पहनते रहेंगे, अच्छे रखें अलमारी में पर नहीं। पत्नी भी कह रही पहन लो, पार्टी भी आ रहे, पार्टी भी आ रहे, पार्टी में पहनूंगा पार्टी में पहनूंगा, जैसे इसको खूब मालूम है कि खूब पार्टी अटेंड करेगा। जीवन का क्या ठिकाना है, कोई भरोसा है? अरे बोलो तो हरदोई वालो, नहीं नहीं कोई भरोसा हो तो तुम ताया इंतजार करो कि नहीं मैं तो वहां पहनूंगा। जीवन का ठिकाना नहीं। जितने अच्छे अच्छे कोट रखे हो, पेंट रखे हो, शर्ट रखी हो, खूब नए नए पहनो। दुनिया जले तो जले और जलाओ पर पहन के ऐसे घूमो कि बहुत करोड़पति हो, काय करो खूब अलमस्त रहो। अपनी जिंदगी में अपन नहीं खाए पिए मौज करे तो बाद में कहीं खाओगा, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में स्माइल वाला फोटो टंग गए, क्या मतलब हुआ? अलमस्त रही, अपनी जिंदगी में अलमस्त रहने का प्रयास करें। क्या किसको रोइए चादर तान के, अपने को मतलब नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अपने को करना क्या भैया। मैं तो ऐसा ही रहता हूं, मेरी अलमस्त अलमस्त। भैया अग्रवाल जी हमको बहुत अच्छा लगा, ईमानदारी की बात है मुकेश भैया, तुम्हारे परिवार में कथा बाज कर आनंद तो आया, क्योंकि तुम लोगों को देखकर बड़े मस्ती में रहते अलमस्त, जब भी आनंद रहे मस्ती में रहे, कहा करना आग लगे बस्ती में अपन रह मस्त मस्त। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का उपासक, शिव करुणा सागर का जो भक्त होगा उसकी मस्ती का आनंद ही दूसरा होगा। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज तुम कथा करते हो ऐसी मस्ती में कथा बाजते रहते हो, भैया शंकर के उपासक है मस्त रहे अलमस्त रहे, लोगों को लगना चाहिए कहीं का पीकर आया है, मस्त रहो और इतनी मस्ती में रहो कि जिंदगी का सुख परमात्मा भी कहे कि मेरा जीव आज मेरे पास में आया है, परमात्मा भी कहे उसकी मस्ती। भगवान की भक्ति कहे ना
कि मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया सब गाइए तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। केवल भगवान शिव के सिवाय दुनिया में कोई उपासकता का सुख, अलमस्त रहने का साधन, तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय गए, तारकासुर का संहार कर कार्तिकेय वापिस आ गए। माता जगत जननी ने कहा, कार्तिकेय तुझे एक काम सौंपा था, तू कर आ गया, फिर निवेदन करूंगा, बच्चों को जंगल का शेर बनाना, पिंजरे का मत बनाना, बहुत कठिन, दुनिया नकलीपन में जी रही है, आज के जमाने में जितने भी लोग जी रहे हैं सब नकली जी रहे हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का, बहुत पढ़ा हुआ लड़का, नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली तो जंगल गांव में सर्कस वाले आ गए, सर्कस वालों से कहा भैया नौकरी दोगे क्या, कितने पढ़े हो, बीए एमए सब करा, नौकरी नहीं है, नहीं आप सर्कस में नौकरी दे दो, सर्कस वालों ने कहा एक ही नौकरी है, बंदर के कपड़े पहनना पड़ेगा, शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा, 5,000 रुपये मिले, अब मरता क्या नहीं करता, बंदर के कपड़े पहनकर शेर के पिंजरे में चले गया, धाड़ता हुआ शेर अंदर आया, जैसे ही धाड़ता हुआ शेर अंदर आया ये घबराया पीछे सरका, शेर और आगे बढ़ा, ये बंदर के कपड़े पहना हुआ पीछे खसका, शेर और आगे बढ़ा ये और पीछे खसका, इतने में शेर को लगा ये घबरा रिया, शेर दौड़ के उसके पास गया और जाकर बोला घबरा मती, 5,000 रुपये में तू बंदर बना, 3,000 में मैं शेर बना हूं, भाई को खबर, नकली के युग में ना बंदर असली है, सब आज के जमाने में तो लोग मुस्कुराते भी नकली का है, सुबह सुबह रामदेव बाबा ने सिखा दिया तो लोग गार्डन में बैठ के अरे ये कोई हंसने की जगह है, शिव महापुराण में आइए बड़े प्रसन्न होकर जाइए, प्रसन्न चित्त होकर अलमस्त, हमारे गुरुजी कहते हैं विठलेश राय काका जी महाराज कहते थे, मिश्रा कथा में किसी को रुलाना मती, हंसाना, क्योंकि रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ था तो कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था, माता पुनी बोली सोमति डोली तजउ ताति हरूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कौशल्या जी राम जी से कहती है रो, राम जी कहते हैं मैया हम दुनिया को रुला रहे तू हमें रुला रही, कौशल्या जी कहती है पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा, तो राम जी भी रोए, और हमारे यहां नियम है बच्चा जब जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते रो, आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा, रो उसको रुला दे, रो ले, मुस्कुराने के लिए तो केवल शिव महापुराण के 5 दिन मिले हैं हरदोई वाली जी जियो, मात्र 5 दिन ये मुस्कुराने के हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन स्माइल प्लीज, मुस्कुराते रहे, अलमस्त रहे, अपनी जिंदगी को मस्ती में जियो, गम कितने भी हो दुनिया में पर मुस्कुराना सीख लो, ना जाने किस मोड़ पर वो अंतिम क्षण आए कि मुस्कुराना पाओ, स्माइल देते कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा जीने का प्रयास करिए, और इतनी अच्छाई ढूंढ लो
एक पति पत्नी में भी गलती नहीं देखता, पत्नी पति में गलती नहीं देखती। एक दिन एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, क्योंकि कहीं शिव पुराण सुनकर चले गया था पति, वो मस्ती में था और पत्नी ने कह दिया तुम तो जानवर हो। पति बोला बिल्कुल सही बोली है, तू मेरी जान में तेरा बल, गलत कहा, गलत कहा। वो अच्छाई देख रहा है, वो बुराई देख, हम अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास। इतना सुंदर कहा है तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, हर एक में वही दिख रहा हो, कण कण में, रसातल में, चल चल में, वायु चर में, हर जगह पर वही नजर आ रहा हो, तो फिर सुख होगा कि नहीं। महाराज भगवान तारकासुर का संहार करा, कार्तिकेय जी ने आए, तारकासुर के तीन पुत्र थे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। इन तीनों ने विचार करा हमारे पिता का वध कर दिया, तीनों ने ब्रह्मा जी का तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दीजिए हम तीन अलग अलग भवन में निर्माण में रहें, हम तीन पुरियों में रहें, हमारे लिए तीन राज्य बसाए जाएं और हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। कैसे मरे? मरे तो एक साथ। शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं पर भी जाना सारे भाई पूरा परिवार एक साथ कभी मत जाना। कौन कहती है? शिव पुराण। छह भाई का परिवार, चार भाई का परिवार, तीन भाई का परिवार, पांच भाई का परिवार, दस भाई का परिवार, निवेदन है किसी के यहां भी जा रहे हो पार्टी में, किसी के यहां जा रहे हो बाहर गांव में, पूरे घर के लोग एक साथ कभी ना जाए, ये शिव पुराण कहते, कभी ना जाए। समय का क्या भरोसा है, किसके ऊपर काल चल रहा था और उस काल के बल पर उसको जाना था, उसके साथ में दस, काल की घड़ी। महाराज बहुत सुंदर सुंदर संवाद शिव महापुराण कहती है, लोग समझ जाए तो अच्छी बात है, अगर दिल में धारण कर ले तो जिंदगी संवर जाए, उनका घर संवर जाए, अगर शिव महापुराण की कथा सही से धारण कर ले। पर वो सुने तो सरी, वो तो इनंग से सुने, इनंग से निकाल दे, बच्ची को चीती झटकार दे। घर गए तो घर वालों ने पूछा कहां गई थी, शिव पुराण में। क्या लाई? प्रसाद। और कुछ लाई? बाकी की तो सब। बस एक तुम्हारे लिए दोना मांग के लिए ही देखने के। माताओं में भी बड़ा आइडिया होता है, राम जाने ना जाने कौन सी कैसी, कल मैं देख लिया था यहाँ पर, वो जीजी उस हाथ से पिटारा बांट रही थी, एक अम्मा ने ऐसी ना जाने कैसी झोली बनाई, राम मेरे को तो बनाना भी नहीं आया। भैया भैया अच्छा, बाद में मैंने नीचे देखा तो गिरा भी नहीं, भगवान जाने कहां धर के ले गई। बोलो हर हर। तीनों ने मांगा हमें तीन पुरियों का निर्माण करा जाए, तीन महल, तीन नगर बसाए जाए और वर दीजिए मरे तो तीनों एक साथ मरे। वर दे दिया ब्रह्मा जी ने, इतना उपद्रव मचाया तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ने, तारकासुर के तीनों बेटों ने, सबने जाकर शंकर जी से विनती करी। भोलेनाथ ने कहा इन तीनों को मारने का एक ही तरीका है, इन तीनों को एक जगह पर इकट्ठा करना पड़ेगा, इकट्ठे होंगे तब ये मरेंगे, तो इनको इकट्ठा करने के लिए क्या करें? भगवान ने कहा 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। शंकर जी का एक नाम हो गया पशुपति नाम। भगवान शंकर कह रहे मैं पशुपति नाथ बनूंगा, तुम्हें लेकर दौड़ूंगा, आधे इधर जाना आधे उधर जाना, सबको नगर से निकाल कर एक जगह इकट्ठा करना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों को इकट्ठा करा और भगवान शंकर नंदी का रूप रखकर, दो सिंह और भंग का रूप रखकर भगवान पशुपति नाथ बनकर संहार करने के लिए गए। जैसे ही तारकाक्ष और विदुम्माली को सिंह दिया भगवान ने, इतने में कमलाक्ष की पीछे से हट गया, कमलाक्ष की हटा, भगवान शंकर का सिर काट दिया, सिर कटते से ही भगवान के घुटने नीचे टिक गए और शीश जाकर नेपाल में गिर गया। शंकर का आधा भाग केदारनाथ जी में पड़ा है आज भी और सिर नेपाल में पड़ा है। कौन कौन गया केदारनाथ? गए हो आप लोग?
केदारनाथ जी में शिवलिंग के दर्शन नहीं होंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई नंदी बैठा और उसके ऊपर का भाग ऊपर निकला हुआ। फिर टिक गए, भगवान ने देखा आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। भगवान अपने असली स्वरूप में आज त्रिशूल उठाकर तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण किया। महाराज एक पशुपति व्रत होता है, कौन सा व्रत है? पशुपति व्रत। महाराज इसलिए हमारे भारत की भूमि पर 11.5 ज्योतिर्लिंग है। कितने हैं? 11.5। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे कब होते हैं? जब काठमांडू में जाकर किसका दर्शन करो, जम के बोलो, पशुपतिनाथ का नहीं, भगवान शंकर का जो सर गिरा था काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से 9 किलोमीटर की दूरी पर है वो मंदिर, 9 किलोमीटर। कौन सा शंकर है वो? डोलेश्वर महादेव उनका नाम है। क्या नाम है? डोलेश्वर महादेव, जहां भगवान शंकर का सिर आकर गया, तब जाकर 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो पाते हैं महाराज। अच्छा कितनी विचित्र बात है, दुनिया का केवल एक ही मंदिर है शंकर जी का नेपाल में, और नेपाल का ही पानी शंकर को नहीं चढ़ता, क्योंकि नेपाल में जो पानी आता है वो गंडकी का आता है और गंडकी श्रापित है, इसलिए शंकर के ऊपर वो चढ़ती नहीं है। इसलिए वहां अभिषेक करने पहले पूछते हैं ब्राह्मण लोग, ये पानी आप कहां से लाए हैं? अगर भारत से लेकर गए हैं तो यहां का पानी चढ़ने देंगे, पर वहां का पानी नहीं चढ़ने देंगे, गंडकी का जल नहीं चढ़ता। भारत शास्त्र कह रहा है तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की के प्राणों को भगवान ने हर लिया। एक व्रत होता है पशुपति व्रत। पशुपति व्रत कैसा? शास्त्र कहता है किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पाना, किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचना है और बहुत अड़चने आ रही है, कोई काम किसी से निकालना है और वो काम नहीं हो रहा, बहुत अड़चने आ रही है, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत करें। 5 सोमवार कैसे? सुबेरे के समय पर फलहार करें, शाम के समय पर शंकर जी के मंदिर में जाकर 108 बेलपत्र शंकर को समर्पित करें पशुपति नाथ के नाम से, और पीला चंदन शिव को समर्पित कर दें, उस चंदन को मस्तक पर तिलक लगा लें, शाम को मंदिर पर से आने के बाद घर पर आएं, घर की चौखट पर एक दिया लगाएं और एक दिया शंकर जी के मंदिर पर लगाएं, वापिस आकर भोजन ग्रहण कर लें। ये पशुपति नाथ का व्रत है। 5 व्रत पूर्ण कर लेने पर पशुपति व्रत जब पूर्ण हो जाते हैं, 5वां व्रत पूर्ण हो, एक नरियल पर मोली लपेट कर, श्रीफल पर मोली लपेट कर, मोली की आकृति अपनी आकृति के बराबर होना चाहिए, हाइट के बराबर, उतनी बड़ी मोली नरियल पर लपेट कर शिव जी को समर्पित कर दें और उस दिन अपने व्रत का 5 व्रत का विराम कर दें। आपके मनवांछित फल जिस कामना से आपने व्रत करा है वो मात्र 2.5 महीने के अंदर पूर्ण हो जाते हैं महाराज। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। कौन सा व्रत है ये? पशुपति। कई लोग कथा भी पढ़ते हैं पशुपति व्रत की, अगर किताब मिल जाए तो पढ़ लो, नहीं मिले तो अपना भगवान शंकर का स्मरण करो, शिव जी का नाम जपो, वो व्रत। पुत्र की कामना करने वाली माताएं, संतान की कामना करने वाली माताएं, हमारा उनसे निवेदन है अगर आपके यहां 18 साल 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई है तो आप टेस्ट ट्यूब भी बाद में करवाना, पहले आप ये पशुपति व्रत करना और उस व्रत के करने के बाद आपके यहाँ 2.5 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाएगा महाराज। पशुपति व्रत का इतना प्रमाण, आप जिस कामना पर 10 कामना मत करना। कई माताओं की आदत थी व्रत एक बार करती और कामना 10 करती है। हरि हरि बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। Oh,
भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर की कथा कह रही है, पशुपति व्रत कर लेने से कार्य की सिद्धता उत्पन्न हो जाती है महाराज। पशुपति व्रत अपने कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है, अपने कार्य की निपुणता के लिए किया जाता है। आगे जो वर्णन आया, भगवान माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती विराजमान है और भगवान शिव आनंद से बैठे हुए थे। माता पार्वती जी ने भगवान शिव से आकर निवेदन किया, महाराज आगे जो चरित्र आया है उस चरित्र में वर्णन किया, भगवान शंकर कथा के प्रारंभ में कहा था कि भगवान शंकर ने एक अवतार एक पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को ले जाकर अलकनंदा नदी में छोड़ा था। आप सबने नरसिंह अवतार की कथा तो सुनी होगी भागवत जी में कि नरसिंह जी का अवतार हुआ, प्रहलाद के कारण भगवान खंभे में से प्रकट हुए। नरसिंह भगवान को इतना क्रोध आ रहा है, शंकर से जाकर कहा कि भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आ रहा है, नरसिंह अवतार उन्होंने धारण करा, इतना क्रोध आ रहा है, उस क्रोध का करेंगे। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है, भगवान नारायण के क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका, चलिए सारे देवता तुम मुझ में समा जाओ और मुझ में समाहित होकर भगवान शिव ने शरंब रूप धारण करा। कौन सा रूप है शिव जी का? शरंब, एक पक्षी, गिद्ध जैसा पक्षी होता है। भगवान शिव का नाम है शरंबेश्वर महादेव, शरंब रूप। भगवान शंकर ने शरंब रूप धारण करा, नरसिंह भगवान को अपने पंजों से उठाया और भगवान विष्णु को ले जाकर बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी के अंदर उनको पटक दिया। पटकते ही अलकनंदा इतनी ठंडी थी कि नरसिंह भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। क्रोध शांत हुआ, लक्ष्मी जी उनको ढूंढती ढूंढती वहां पहुंची, बद्रिकाश्रम से अपने पति को लेकर आई तो संतों के कहने पर नरसिंह भगवान ने एक शिला के रूप में अपना प्रतिबिंब अलकनंदा नदी में छोड़ा। आप लोग अगर बद्रीनारायण गए हो तो बद्रीनारायण का पुल जब पार करते हो मंदिर जाने के लिए तो पुल के सीधे हाथ पर नरसिंह शिला आज भी विराजमान है। नरसिंह शिला आप अगर मां पंडित जी से पूछेंगे या बद्रिकाश्रम की कोई किताब आपके पास हो गाइड बुक वगैरह तो उसमें लिखा है नरसिंह शिला, आप पढ़ेंगे, उस नरसिंह शिला का बड़ा प्रमाण है सर। जो व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो, सास बहू की आपस में नहीं बनती हो, भाई भाई की नहीं बनती हो, कुटुंब कबीले में नहीं बनती हो, बहुत क्रोध बहुत चिड़चिड़ापन, कोई पति पत्नी की आपस में संबंध अगर खराब हो रहे हैं, रिश्ता टूट रहा है, या कहीं किसी भी रूप में कोई जगह पर अगर विवाद चल रहा है, क्रोध चल रहा है, तो उसका एक ही कारण है, जिस व्यक्ति के क्रोध को समाप्त करना है, प्रेम को बढ़ाना है, उस व्यक्ति का नाम लेकर एक क्वाइन पर मोली को लपेट कर बद्रिकाश्रम कभी जाएं तो नरसिंह शिला पर उसको फेंक दें, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, वो व्यक्ति का क्रोध एकदम समाप्त हो जाता है और प्रेम बढ़ जाता है। नरसिंह शिला का इतना प्रमाण, बद्रीनारायण में दो चीजों का प्रमाण है, एक क्रोध के लिए नरसिंह शिला, एक बद्रिकाश्रम मंदिर के पीछे चढ़ाई जाती है चने की दाल। लोगों में तो ध्यान नहीं रहता, बद्रिकाश्रम मंदिर के पीछे 7 चने की दाल हाथ में लेकर आप अपनी मनोकामना कर घूम कर बद्रीनाथ के मंदिर के अंदर चने की दाल का दान शंकर जी का नाम लेकर दे दीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होती है। पर दुनिया के लोग चने की दाल तो ले जाते हैं पर जाते ही भगवान नारायण के मंदिर में दे देते हैं। चने की दाल का नियम है, बद्रिकाश्रम में अगर चने की दाल का दान होता कहाँ है, बद्रीनाथ में किस चीज का दान होता है? चने की दाल का दान। केदारनाथ जी में किस चीज का दान होता है? घी का दान। तो बद्रीनाथ में अगर चने की दाल का दान दिया जाता है तो आप बद्रीनाथ जी को सब कुछ समर्पित कर दो, पर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर के पीछे बैठकर 7 दाने हाथ में लेकर अपनी कामना कर फिर घूमकर बद्रीनाथ जी को दी जाती है शंकर जी का नाम देकर, तब जाकर वो मनवांछित फल की प्राप्ति हो।
बद्री विश्राम। ऐसा क्रम हमारे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया। आगे जो चरित्र कहा, भगवान माता जगत जननी जगदम्बा आज स्नान करने के लिए जा रही हैं और तन पर बहुत सारा उपटन लगा हुआ, तन पर उपटन लगा है। माता जगत जननी आ रही हैं स्नान करने के लिए, माता जगदम्बा स्नान करने के लिए पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाए माँ जगत जननी, जगत जननी माँ स्नान करने के लिए चली हैं माता जगदम्बा। और मां जगत जननी जब स्नान करने के लिए चली, जगत धात्री मां जगदम्बा जब स्नान करने के लिए पहुंची, माता जगत जननी ने अपने तन के शरीर के उपटन को निकाला और उपटन को निकालकर मां जगत जननी ने एक पुतला तैयार कर, एक पुतला बनाया। और माता ने एक पुतला बनाया तो जगत जननी माता जगदम्बा की सहेली ने कहा, अरे जगदम्बा तूने इतना सुंदर पुतला बनाया है, इतने सुंदर पुतले का तूने निर्माण करा है, मान लो इस पुतले में प्राण आ जाए तो। जगदम्बा ने कहा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी इसमें प्राण ला देती हूं। जगदम्बा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर जगदम्बा ने पुतले में प्राण देने के लिए खड़ी हो गई। अब जैसे ही पुतले में प्राण देने के लिए जगदम्बा खड़ी हुई है, जगत जननी जैसी पुतले में प्राण देने के लिए खड़ी हुई और हाथ में जल लेकर माता जगत जननी जगदम्बा ने हाथ में जल लेकर जैसे ही पुतले की ओर जल को छोड़ा, जल को छोड़ते ही बालक प्रकट हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बालक प्रकट होकर आ रहा, बालक प्रकट हुआ। और प्रकट होकर बालक ने अपनी माता के पास में जाकर पूछा, मां 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 मां। माता पार्वती ने पूछा, बोल बेटा, मां मेरा नाम क्या है, मां मेरा नाम क्या है। माता पार्वती जी कहती हैं, बेटा तू विनायक है, तू मेरा पुत्र है। मां मुझे क्यों प्रकट करा है, मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है, मां आपने मुझे प्रकट क्यों किया, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है। मां ने कहा, बेटा मैं स्नान करने के लिए अंदर जा रही हूं, तुम बाहर दरवाजे पर खड़े होकर प्रतीक्षा करना, तुम्हारी माता स्नान करने जा रही है, किसी को अंदर आने नहीं देना। विनायक ने कहा, ठीक है माता। विनायक दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे, दरवाजे पर खड़े होकर विनायक पहरेदारी करे। थोड़ी देर बाद भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर अपने गण के साथ में आ गए। भगवान शंकर पधारे, भूतेश्वर भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे हैं महाराज अपने गण के साथ में, भूतेश्वर भोलेनाथ जब पहुंचे हैं और भगवान शंकर कैलाश पर आ रहे हैं, जोरदार ताली भगवान शिव के लिए बजाइए। भगवान शंकर कैलाश की ओर अग्रण्य हुए महाराज। माता जगत जननी जगदम्बा अंदर बैठी स्नान कर रही हैं, माता पार्वती का स्नान चल रहा था और भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ उसी समय पर भीतर प्रवेश किए हैं। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, अंदर आते से ही विनायक पहरेदारी कर रहे थे, शंकर भगवान को आते ही रोक दिया, ओ बाबा कहां जा रहे हो। बाबा बोले, बालक तू है कौन ये तो बता दे। विनायक कहते हैं, बाबा मैं मेरी माता का पुत्र हूं, मेरा नाम विनायक है। अरे ओ बालक ये बता कैलाश पर आया कैसे। विनायक कहता है, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है, आपको जाने नहीं दूंगा। इतने में तो भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ उसी समय पर कहे। शंकर भगवान ने कहा, विनायक बीच में से हट जा, मुझे जाने दे। विनायक कहता है, बालक ए बाबा छोटा बच्चा जानकर आंख मत दिखाना, ये मत सोचना मैं तुमसे डर जाऊंगा,
बालक तुझे समझा रहा हूं अभी भी, बालक नहीं माना। शंकर जी को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया, विनायक का शीश काट दिया। काटते ही शीश विनायक धड़ से गिरे, शीश माँ की गोद में गिरा। माता क्रोध में लाल होकर सामने आकर खड़ी हो गई। भोलेनाथ, मेरे बालक का सिर किसने काटा है? अगर मेरे बालक का सिर नहीं जुड़ा भोलेनाथ, तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह तोड़ दूंगी। शंकर भगवान ने उसी समय पर अपने गण से कहा, जाओ, जो माता अपने पुत्र से पीट कर कर सो रही हो, उसका सिर काट कर ले आओ। गण दौड़ता दौड़ता गया, भागता हुआ भगवान, जो मां अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो, उसका सिर काट कर लाना है। गण दौड़ता हुआ गया, किसको देखूं? एक हथनी अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही थी। हथनी अपने बच्चे से जब पीट कर कर सो रही थी, तो भगवान गण ने उसी समय हाथी के बच्चे का सिर काट दिया। और सिर काट कर लेता हुआ गण दौड़ता दौड़ता भगवान शिव के पास आ रहा है। महाराज, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, महाराज ये लीजिए, हम शीश काट कर लाए हैं। इतने में शंकर भगवान ने शीश को देखा। पार्वती जी बोली, प्रभु ये तो हाथी का मुंह लिया है। शंकर भगवान बोले, पार्वती अभी इसी से काम चला ले, बाद में बदल दूंगा, अभी जो मिला है उसी को लगवा दे। इतने में भगवान भोलेनाथ ने विनायक को जीवित करने के लिए हाथी का मस्तक लगाया है। महाराज, हाथी के मस्तक को भगवान भोलेनाथ जोड़ने के लिए अग्रण्य हुए हैं, और हाथी के मस्तक को भगवान शंकर भगवान विनायक को लगा रहे हैं। महाराज, पार्वती जी कहती हैं, प्रभु हाथी का मुख लगाओगे, मेरा बालक को लोग हंसेंगे। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तू चिंता मत कर, ये प्रथम गिनती में गिना जाएगा, अग्रण्य माना जाएगा, प्रथम भाव में समर्पित तो होगा पार्वती ये, और लोग इसको गणाधिपति गणेश कहकर पुकारेंगे। शंकर और पार्वती ने गणेश जी को उठाया है, जीवित किया है। महाराज, देवता देखकर आनंद पाए हैं, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। बोल गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। माता पार्वती ने गणेश जी को अपनी गोदी में लिया है। महाराज, हाँ जी, जजमान पधारे, सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। आप लोगों के पास में खूब बधाइयां लुटाई जाएगी, अभी आनंद लिया जाएगा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े बड़े को, तुमसे बड़े बड़े को, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बड़े बड़े को, अभी तुमसे बड़े बड़े को, तुम्हारे भक्ति जनों में अब से बढ़ कर को, अभी हम से बढ़ कर को, ओ देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ कर को, अभी तुमसे बढ़ कर को। सभी लोग कैसे नहीं हो गया? Thank you.
बड़े प्रेम से अभी जन्म महोत्सव मनाया जाएगा भगवान गणेश जी महाराज। सभी लोग बधाई का आनंद ले लेंगे, सुंदर गणेश जन्म महोत्सव का आनंद लिया जाए। आज गणेश जन्म उत्सव की कथा में भगवान गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया गया, धूमधाम से अपन मना रहे हैं। कल भगवान गणेश की सुंदर बारात, सुंदर विवाह रहेगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारे, कथामृत का लाभ लें। गणेश जी के जन्मोत्सव की बधाई भेंट जिन किसी भी भक्तजन को पधरानिया हो, वे हमारे ब्राह्मण जन आपके बीच में झोली लेकर आ रहे हैं, उसी झोली में आप गणेश जन्म उत्सव की बधाई पधारे। बोल गणेश जी महाराज की। तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर